अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस फंक्शन को। और उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है कि कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम आर डिफरेंसेस। ठीक है, क्या है जी कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम्स आर डिफरेंसेस। अच्छा स्टूडेंट, इसमें प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं, सम जो है वो एडिशन को कहते हैं, एंड डिफरेंसेस का जो है उसको क्या कहेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें हमने करना है कि कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में। ठीक है, तो ये इसमें हमारा क्या है टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ कुछ फार्मूलाज लिखेंगे। हमें फार्मूलाज का पता है कि आपने कहना है कि एज वी नो दैट, एज वी नो, आपको ये बात पता है कि फार्मूला जब हमने डिस्कस किए थे पीछे की जगह पे, वो आ रहा था साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की इक्वल था। सेकेंड नंबर पे एक फार्मूला हमने पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा जो कि इक्वल आता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की इक्वल आएगा। थर्ड नंबर पे एक फार्मूला पढ़ा था हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा का, सो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि इक्वल आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। ठीक है, ये चार फार्मूला जो है हमने क्या किए थे, ये हमने उस वक्त पढ़े हुए थे। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या, पहले कि ये जो वन एंड टू नंबर पे लिखा हुआ है आपके पास फार्मूला वन एंड फार्मूला टू, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एडिंग वन एंड टू, एडिंग फार्मूला वन एंड टू, एडिंग फार्मूला वन एंड टू। तो जब हम वन एंड टू को ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे ऐड करना है, ये देखें इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये इक्वेशन सॉरी फार्मूला वन एंड टू, इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे ऐड करेंगे और राइट साइड को आपस में राइट साइड पे ऐड करेंगे। तो राइट साइड को अगर आप ऐड करें तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और वो जब ऐड करेंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें कटिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स को आपस में कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर आप देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये विद प्लस एंड ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप देखें ना साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा कॉस बीटा, टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें इसको, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया जो कि क्या है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अगर शुरू में आप देखें तो मैंने कहा कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम आर डिफरेंसेस, कि अगर आपके पास इस तरह के फंक्शंस आ जाएं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको प्रोडक्ट आर डिफरेंस में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला जो है ये यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है, ये उसका फर्स्ट फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने सिंपल क्या किया था कि जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं इनको अब क्या किया था, अब हमने इनको ऐड किया था। अब क्या करेंगे,
ऐड करने के बाद अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इक्वेशन टू को वन में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो वन एंड टू अगर आप देखें तो ये देखें, ये आपके पास वन है और ये टू है। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो ये तो एज इट इज लिखूंगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस करूंगा, माइनस जब इधर करेंगे तो ये जो साइन ये चेंज हो जाएगा, तो माइनस आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, एंड यहां से आपके पास माइनस है भाई माइनस, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा पे। अब इनमें भी देख लेते कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकती है। तो ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से एक और फार्मूला आ जाएगा, अगर आप इनको देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो टू कॉस अल्फा साइन बीटा, टू कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि टर्म जो है प्रोडक्ट से किस में चेंज हो रही है, डिफरेंस में चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इस तरह से ये एक दूसरा फार्मूला भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा अब हम मजीद जो नेक्स्ट फार्मूलाज हैं उस पर भी जाएंगे कि उसमें आपने क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे थे थ्री एंड फोर, अब उनको भी पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले उनको ऐड कर लेते हैं, थ्री एंड फोर को ऐड करेंगे सबसे पहले। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे एडिंग थ्री एंड फोर। एडिंग थ्री एंड फोर, अच्छा उसमें थ्री में देखें, थ्री में क्या आ रहा था, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, एंड फोर में क्या आ रहा था, कॉस अल्फा माइनस बीटा आ रहा था। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो दो टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगी। तो फार्मूला जो हमारे पास यहां से बनेगा वो आएगा, देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की इक्वल आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये फार्मूला भी समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।